Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss the fourth type of learning, which is learning by conditioning, and the second type of conditioning, which is operant conditioning. In today's topic, we are going to discuss operant conditioning in detail. So far in this chapter, we have studied डेफिनेशन ऑफ लर्निंग लॉज ऑफ़ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग पिछले लेक्चर्स में हम इस चैप्टर में से अब तक आमोजिश की डेफिनेशन आमोजिश की तारीफ आमोजिश की इकसाम और आमोजिश के कवानीन पढ़ चुके हैं आमोजिश की अकसाम जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनमें से चौथी किस्म आमोजिश की है आमोजिश बजरिया मशरूतीत यानी कि लर्निंग बाय कंडीशनिंग। जैसा कि पहले लेक्चर में से पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आमोजिश बजरिया जरिया मशरूतीत कि लर्निंग बाय कंडीशनिंग दो तरह से होती है एक तरीक़ा है क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि क्लासिकल मशरूतीत क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें हमने देखा कि पेवलव का एक बहुत इम्पॉटेंट एक्सपेरिमेंट जो डॉग के साथ उसने किया आज के लेक्चर में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने किए जिनमें से थॉन डाइक का नाम काफ़ी अहम है थॉन डाइक को आमलाना मशरूतीत का बानी भी कहा जाता है क्योंकि थॉन डाइक ने काफ़ी सारे ऐसे तजर्बात किए डिफ़रेंट एनिमल्स के ऊपर और आमलाना मशरूतीत की बुनियाद लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यानी कि क़ानून तासर पर रखी तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लॉ इंट्रोड्यूस कराया थॉन डाइक ने जो कि हम जब हमने आमोजिश के कवानीन पढ़े थे तो हमने उनमें लॉ ऑफ़ इफ़ेक्ट को पढ़ा था या देखा था कि क़ानून तासर क्या है तो थेग के मुताबिक ये लर्निंग लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर होती है इस कानून के मुताबिक जिन रदाल के नतीजे में हमें राहत और सुकून हासिल होता है या आसूदगी हासिल होती है या वो तरीक़कार या वो रिएक्शंस कि जिनकी वजह से हमें खुशगवार तासर का एहसास होता है एप्रिसिएशन मिलती है अप्रूवल मिलता है तो उन ये रद्द अमाल का दोहराया जाना दोहराए जाने का इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं द रिस्पॉन्स दैट लीड टू सेटिसफाइंगज़ आर आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड थॉर्न के साथ स्किनर ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर स्किनर ने चूहों पर कबूतरों पर बेशुमार तजर्बात किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान स्किनर ने एक स्पेशल डिवाइस या एक ख़ास बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है अब हम चल के स्किनर के कुछ तजुर्बात या एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और हम स्किनर बॉक्स को भी देखेंगे उसकी डायग्राम यहाँ पे गिवन है और हम देखेंगे कि कौन से अहम तजुर्बात हैं जो स्किनर ने कंडक्ट किए एक तजर्बे में स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया इस बॉक्स के अंदर एक लिवर लगा हुआ था और इसमें चूहे की खुराक इस तरह से रखी हुई थी कि इसे खुराक हासिल करने के लिए लीवर दबाना पड़ता था शुरू शुरू में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा और माहौल को समझने के लिए कोशिशें करता रहा और इसी दौरान इतफ़ाक से चूहे का हाथ स्किनर बॉक्स में मौजूद लिवर पर लगा या पड़ा और वो हाथ पड़ते ही लिवर के दबते ही खुराक चूहे को मिल गई पहली दफ़ा ये इत्तफाक से हुआ पहली दफ़ा जब ऐसा हुआ तो चूहा लिवर को दबाने और ख़ुराक के हसूल के दरमियान कनेक्शन को ना समझ सका फ़र्स्ट टाइम में ये एक्सीडेंटली हुआ या इतफ़ाकन हुआ लिवर के दबने और ख़ुराक के मिलने में क्या कनेक्शन है ये लर्न करने में चूहे को थोड़ा टाइम लगा कुछ देर बाद जब चूहे से दोबारा लिवर अचानक दब गया और उसे ख़ुराक मिल गई लेकिन इस मरतबा लिवर को दबाने ख़ुराक हासिल करने में नस्बता कम वक्त लगा और बार बार यही अमल दोहराने से चूहे ने सीख लिया कि लिवर दबाने से ही खुराक मिलती है अब वो लिवर के पास बैठ कर मुसलसल इसे दबाता रहता और ख़ुराक हासिल करता रहता इस तरह से स्किनर ने ये साबित किया कि जानवरों में लर्निंग या आमोजिश होती है अगर उन्हें किसी ख़ास अमल को दोहराने या किसी ख़ास रजमल के नतीजे में कोई इंसेंटिव कोई रिवॉर्ड मिले तो वो ये चीज़ लर्न कर लेते हैं कि इसी रिएक्शन को दोहराने से उन्हें इनाम या रिवॉर्ड मिलेगा इसकी मिसाल हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि अक्सर हमने जब देखा है कि मदारी जब बंदर को नचवा रहा होता है तो उस वक्त भी वो बंदर को जब इशारे करता है और एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस देता है कि घूम जाओ या छलांग लगाओ तो ये सब परफॉर्म दे कर बाद वो बंदर को कोई ना कोई ख़ुराक या कोई ना कोई चीज़ उसकी पसंद की दे रहा होता है तो इस तरह से वो बंदर लर्न कर लेता है कि अगर वो एक ख़ास किस्म का रिएक्शन या रद्दमल देगा तो उसको उसकी ख़ुराक मिलेगी या उसको उसकी मनपसंद चीज़ मिलेगी ऑपरेंट कंडीशनिंग की तारीफ़ या इसको डिफ़ाइन इन अल्फाज में किया जा सकता है कि कंडीशनिंग इज़ अ लर्निंग इन विच आ वॉल्टी पास रिस्पॉन्स स्ट्रेंथेंड और वीकेंड डिपेंडिंग ऑन इट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस आमलाना मशरूतीत एक ऐसी आमोजिश है जिसमें एक इरादी फ़ेल को उसके मवाफिक या गैर मवाफिक नतज की बुनियाद पर मजबूत या कमज़ोर किया जाता है यानी कि वेंटरली किया गया रद्दमल या कोई रिएक्शन या कोई फ़ेल या अमल अगर तो उसके नतज मवाफ़िक या होंगे तो वो अमल ज़्यादा मज़बूत होगा यानी कि रिनफोर्स होगा और अगर उसके नतज गैर मुतव गैर मवाफ़िक होंगे यानी कि फिज़िबल नहीं होंगे तो फिर वो अमल कमज़ोर हो जाएगा यानी कि उस अमल को दोहराने के चांस कम हो जाएंगे कुछ ख़ास असलाहत या स्पेसिफ़िक टर्म्स जो कि आमनाना मशरूतीत में इस्तेमाल होती हैं जिनमें से एक, एक बहुत इम्पॉटेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि अब बार बार जिसका ज़िक्र आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो है री यानी कि तकबीत जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि तकवीत से मुराद ये है कि जब कोई अमल के कारगर होने के चांसस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अमल या ये आदत पुख्ता हो गई है यानी कि इस आदत को तकवीत मिल गई है तो किसी भी अमल में पुख्तगी का आना री एक ऐसा अमल या इनाम है जिसमें एक महीज एक सबका किरदार के दोहराए जाने के इम्कान में इजाफ़ा करता है यानी कि स्किनर के तजर्बे में अगर देखा जाए तो खुराक एक ऐसा स्टिमुलस या मुज है जो दोबारा लिवर दबाने के इम्कान को बढ़ा देता है तो इस तरह से लिवर दबाने का इम्कान बढ़ना यानी कि ये अमल का रिनफोर्स होना है अब यहाँ पे रे दो तरह से हो सकती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी मस्बत तकवीत और मनफी तकवीत अगर तो अमल से किसी भी अमल करने से माहौल में एक प्लेज़ेंट या खुशगवार मुहिज का इजाफा होगा तो फिर तो वो फ़ेल या किरदार या बिहेवियर या अमल और भी तर होता चला जाएगा मसलिनर के तजर्बे में अगर लिवर दबाने के फ़ौर बाद चूहे को ख़ुराक दी जाए तो इससे मुस्तबिल में लिवर दबाने के फ़ेल या किरदार के दोबारा वक़ूफ़ पजीर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं लेकिन अगर मनफी हो मिसाल के तौर पर अगर किसी अमल को करने से सजा मिलती हो जैसे बच्चों को अक्सर हम कहा जाता है कि अगर आप कोई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी या इनाम मिलेगी अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए अगर आपने गुड मैनर्स या गुड बिहेवियर शो किया तो आपको कोई इनाम मिलेगा तो वो चीज़ वो आदत उनके अंदर पुख्ता होती है उनको रिनफोर्स होती है वो आदत उनके अंदर पॉजिटिवली रिनफोर्स होती है लेकिन अगर वहीं पर बच्चा कोई शरारत करता है या कोई बदतमीजी करता है या कोई बैड मैनर्स शो करता है तो उनको बच्चों को अगर उनके गलत रवैये पे पनिशमेंट मिलती है वो पनिशमेंट किसी तरीके की भी हो सकती है उनकी किसी मनपसंद फेवरेट चीज़ को रोक कर भी उन्हें पनिशमेंट दी जा सकती है यानी कि उनको उनकी फेवरेट चॉकलेट देने से रोक दिया जाए या कहा जाए कि आपको नहीं मिलेगी या फिर किसी और तरीके से भी पनिश किया जा सकता है तो इस तरह से उनकी वो बैड मैनर या बैड आदत नेगेटिवली रिंग होगी मनफी तकवीत मिलेगी उसे यानी कि मनफ़ी तकवियत से क्या मुराद है कि एक ऐसा नाखुशगवार मुहिज है यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस है कि जिससे का फ़ेल के मुस्तबिल में वक़ू पज़ी होने के इम्कान कम हो जाते हैं मसलन अगर आपके सर में दर्द है और एक डिस्प्रीन की गोली खाने से सर दर्द ठीक हो जाता है तो मुस्तबल में भी जब कभी सर का दर्द होगा तो आप इस नाखुशगवार महीत को ख़त्म या रिमूव करने के लिए डिस्प्रीन ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अब रिनफोर्समेंट की बात की जाए तो री हमने देखा कि पॉजिटिवली भी रिनफोर्स होता है बिहेवियर और नेगेटिवली भी रीनफोर्स होता है री प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी प्राइमरी रीफोर्सर यानी कि इब्तदाई सिला एक ऐसा मुहैम जो कुदरती तौर पर काम करता है उस वी हयातियाती ज़रूरत यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है और इसमें माजी के तजर्बे का कोई दखल नहीं होता इब्तदाई सिला कहलाता है बसन ख़ुराक जो है भूख यानी कि हयातियाती ज़रूरत मिटाती है लिहाज़ा खुराक इब्तदाई सिला है इसी तरह एक बूखे शख्स के लिए खुराक या किसी तकलीफ़ में मुबतला शख़्स को तकलीफ़ से निजात वगैरह भी इब्तदाई सिले की मिसालें हैं से रिनफोर्सर यानी सानवी सिले से मुराद ऐसा मुहिज है जो प्राइमरी रेफोर्सर के साथ अपने किसी खास तालु की वजह से तकबीयत का बायस बने मिसाल के तौर तो पर हम जानते हैं कि पैसा बहुत कीमती चीज़ है क्योंकि हम इससे पैसे से बहुत सी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं बहुत कुछ खरीद सकते हैं तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे अगर आप एक बच्चे को ये कहें कि आपको अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो आपको चॉकलेट मिलेगी तो चॉकलेट उसकी उसके लिए एक प्राइमरी री है जबकि अगर आप उसको चॉकलेट देने की बजाय अगर पैसे दे दें और आप कहें कि यह आपके लिए ये मनी ये प्राइस में मनी है और इससे आप जाके अपनी कोई मनपसंद चीज़ ले सकते हैं तो वो रकम सेकेंडरी री कहलाएगी पनिशमेंट या सज़ा एक ऐसा मुहिज जो एक सबका किरदार या फेल के दोबारा वाक़ होने के इम्कान को कम कर दें जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि हम अक्सर बच्चों को पनिशमेंट के ज़रिए किसी गलत काम से रोकने की कोशिश करते हैं यानी कि हम उनको इसीलिए पनिशमेंट दी जाती है ताकि दोबारा गलती को दोहराने के चांसेस कम हो जाए या उनकी ये हैबिट उनके अंदर पुख्ता ना हो पाए जो भी कोई बुरी आदत है रिवॉर्ड इन पनिशमेंट तकनीक की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने भी इंसान के लिए सज़ा और रखी है इसी तरह बहुत सा लर्निंग प्रोसेस सज़ा और के ज़रिए इंसान के अंदर बहुत ही अच्छी आदतें और को पैदा किया जा सकता है और बुरी आदतों को ख़त्म किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है सज़ा के ज़रिए एक ऐसा रिस्पॉन्स या बिहेवियर वो कमज़ोर किया जा सकता है जो कि नापसंदीदा हो या अनएक्सेप्टेबल हो या सोसाइटी में अप्रूव ना होता हो ये काम दो तरीक़ों से हो सकता है एक तो किसी खुशगवार मुहिज का इतला करके किसी नाखुशगवार मुहिज का इतलाक़ करके मसलन बच्चे को उसकी बदतमीजी पर थप्पड़ मारने से उसके किरदार को कमज़ोर किया जा सकता है और दूसरा तरीका कि किसी खुशगवार मुहीज को रिमूव कर दिया जाए तो ख़ुशगवार मुहिज को रिमूव कर देने से इदार को कमज़ोर किया जा सकता है जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि बच्चे को उसकी फेवरेट चीज़ ना देख कर या उसको टी वी देखने से रोक कर आ, या वीडियो गेम खेलने से रोक के या उसको जैसे चॉकलेट ना देकर कर भी उसको रोका जा सकता है या उसकी रदल को कमज़ोर किया जा सकता है रिस्पॉन्स और ऑपरेंट रिस्पॉन्स आमलाना फेल आमलाना मशरूतीत में फेल से मुराद मुरादी का कोई भी ऐसा किरदार है जो माहौल पर असरअंदाज होकर माहौल में तब्दीली का बायस बने मसिन स्किनर के तजर्बे में चूहे का लिवर को दबाना एक ऑपरेंट रिस्पॉन्स है यानी कि एक आमलाना फेल है जिसकी वजह से माहौल में तब्दीली होती है और उसको खुराक मिल जाती है हम भी अपने माहौल में डेली लाइफ में बहुत दफ़ा ऑपरेट कर रहे होते हैं इस तरह से यानी कि ऐसे आमलाना फेल दिखाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे माहौल में भी तब्दीली आती है और हम उस तब्दीली की वजह से हमारे लिए हालात साज़गार हो जाते हैं या हम अपनी पसंदीदा या अपनी, अपनी ख़ुशगवार अपने चीज़ों का हसूल कर सकते हैं या अपनी पसंदीदा चीज़ों का हसूल कर सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक्सप्लेनेशन इस तरह से की जा सकती है कि आमलाना तश्ीत में ऑपरेंट का लफ्ज़ ऑपरेटर या ऑपरेशन से माखूज है जिसका मतलब है माहौल में तब्दीली पैदा करना इस अमल में एक उसिया माहौल पर असंदाज़ होकर अपनी पसंद के नतज पैदा करने के लिए इरादी फ़ेल सर अंजाम देता है जैसे कि स्किनर के एक्सपेरिमेंट में चूहा ख़ुराक का हसूल करने के लिए लिव को दबाता है जबकि लिवर को दबाना एक वॉल्ट्री रिस्पॉन्स है और ख़ुराक का हसूल उसका अपना पसंदीदा नतयज हैं आमनाना मशरूतीत में उस को उसकी मर्जी के मुताबिक हरकत करने का मौका फ्राहम किया जाता है गोया हम जानवर को ऐसा मौा फम करते हैं कि जजा तकवीय हासिल करना या सजा से बचना उस वक्त मुमकिन ही ना हो जब तक कि वो जानवर मतलूबा फेल सर अंजाम ना दे दें इस तरीके से पसंदीदा मतलूबा किरदार डिज़ायर्ड बिहेवियर को पुख्ता तर और उसके बरअक्स नापसंदीदा और गैर मतलब किरदार को कमज़ोर तर या ख़त्म किया जा सकता है चूहे ने जब बार बार की बेमानी हरकत कर बाद इत्तफाकन लिवर दबाया और उससे खुराक हासिल कर ली तो अब इसने बार बार इस फेल को दोहराया गोया खुराक मिलने के बाद उसिया का किरदारी बिहेवियर में तब्दीली आ गई दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फेल के नतीजे में जो किरदार वजूद में आता है वो मरकजी हैसियत रखता है अगर ये किरदार माहौल से मुताबकत में मददगार साबित हो और उसिया के लिए सुकून और खुशगवारी का बायस बने तो इसे बार बार दोहराने सेविया में इसके मजबूत रुझाना मिलाना पैदा हो जाते हैं गोया मौखर किरदार हसूल खुराक यानी कि हसूल खुराक मुकदम करदार यानी लिवर दबाने की तकबीत का बायस बनता है यकीन ये पूरे तजर्बे के बाद आपके अपने जहन में इस वक्त बहुत से ऐसे रोजमर्रा ज़िंदगी से एग्जांपल्स या मिसालें आ रही होंगी कि जहाँ पर हम भी अपने इर्द डेली लाइफ में इसी तरह से लर्न करते हैं और बिहेव करते हैं कि हम वो अमल दोहराते हैं कि जिसके नतीजा हमारे लिए फिज़िबल हो मवाफिक हम हो हमारे पसंद का हो बहुत दफ़ा हम अपनी इमीडिएट बायोलॉजिकल नीड्स को हासिल करने के लिए और बहुत दफ़ा अपनी साइकलॉजिकल और सोशल नीड्स को या अपनी डिज़ायर्स और ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए इस तरह से बिहेव करते हैं या लर्न कर लेते हैं कि किस तरह का रद्दमल या रिस्पॉन्स देंगे तो चांस है कि हमें हमारा मतलूबा आ, आ, हमें हमारे मतलूबा नतज मिलेंगे इसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग के जरिए बिहेवियर को शेप अप किया जा सकता है बिहेवियर को मतलूबा बिहेवियर या डिजायर बिहेवियर को हासिल किया जा सकता है मॉडिफ़ाई किया जा सकता है या उसको मज़ीद रिनफ़ोर्स किया जा सकता है आमनाना मशरूत की अहमियत यकीनन उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और आम ज़िंदगी में कई शबों में इसका इस्तेमाल है मसन स्किनर और दीगर माह ताली में इसका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की है यही वजह है कि तलब इल असूल कामयाबी के लिए या नाकामी पर मिलने वाली सजा से बचने के लिए मेहनत करता है आमनाना मशरूतीत के असूलों पर अमल करके हम जानवरों में भी बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर या पेचीदा किरदार उनको सिखा सकते हैं जो कुदरती तौर पर वाक़ नहीं होते ये अमल किरदार को खास सांचे में ढालने यानी कि शेपिंग बिहेवियर शेपिंग या तश्कील पजीरी किरदार को ढालना या उसकी तश्कील देना कहलाता है शेपिंग में एक पेचीदा किरदार को सिखाने के लिए उसे मिलते जुलते किरदारों को मरल वार इनाम या रिवार्ड दिया जाता है जिससे बरअिर मतलूबा किरदार सीख लिया जाता है जैसे मैंने आपको पहले मैदारी की मिसाल दी इसी तरह सरकस के जानवरों में भी कई किस्म के करतब उसी असूल के तहत उन्हें सिखाए जाते हैं जो कुदरती तौर तो पर वक्ु पजी नहीं होते जैसे शेर को आँख में से छलांग लगाना या शेर और बकरी को एक जगह पर पानी पिलाना वगैरह आमदाना मसूदीत का इतलाक़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि करदार में तब्दीली के लिए भी किया जाता है जिसमें तयशुदा तरीक़े की मदद से पसंदीदा करदार को मुस्तकम और गैर पसंदीदा को कमज़ोर तर किया जाता है पसंद तौर तो पर शदीद पसमानदा बच्चों को तब्दीले करदार के दार तरीके इस्तेमाल करके बोलना सिखाया जाता है इसी तरीके से लोगों को वज़न कम वज़न कम करना या सिगरेट नोशी तक करना भी सिखाया जाता है इसी तरह छोटे बच्चों की अच्छी आदत को रिवॉर्ड के ज़रिए मज़बूत और बुरी आदत को पनिशमेंट के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत दफ़ा अपने एक या हम ख़ुद बसात खुद बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए बिहेवियर को शेप अप करने के लिए और डिज़ायर्ड बिहेवियर को अटेन या हासिल करने के लिए ऑपर कंडीशनिंग के प्रोसेस से गुजरते भी हैं और इसका इतलाक़ भी करते हैं इसको अप्लाई भी करते हैं सो फार वी हैव स्टडीड द बिहेवियर परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड स्किनर बोथ बिलोंग्स टू बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थाट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिहेवियरस्ट पेबलव ने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया और हमारे पास पेबलव का मशहूर डॉग का एक्सपेरिमेंट जिसको हमने देखा और इसी तरह स्किनर और थॉन ने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट दिए और स्किनर का मशहूर एक्सपेरिमेंट रैट्स के साथ यानी चूहों के साथ हमने देखा और हमने स्किनर बॉक्स की बात की Let's define operant conditioning. Operant conditioning, which is also known as instrumental conditioning, is a method for modifying behavior. An operant, which utilizes contingencies between a discriminative stimulus, an operant response, and a reinforcer to change the probability of a response occurring again in that situation. so in this picture this is an illustration which shows that how animals could be trained this illustration is showing how to train a dog to pee outside so negative and positive experiences shape our future behavior choices even if we don't realize it is happening so on a behavior which is not desired or behavior which is unwanted behavior to avoid that unwanted behavior, animals are punished or somehow they are shown you know they are they they are told in a way which is not praising. and in this picture as we can see, the dog is being scolded. it is being called bad. And next time, in the next uh, picture, we can see that the dog is appreciated and the dog is given good gestures when it pees outside in the grass. In the similar way, we keep on telling the people around us. About their good behavior and bad behavior. As a result of bad behavior, people get depreciation, people are not socially approved, people do not get acceptance in their society if they show bad responses or bad behaviors. While when they show good behavior, especially in kids and in animals, pet animals, when they show responses which are acceptable, they get appreciation. The chance of their behavior enhances. This is the illustration of the Skinner box, and this diagram shows the Skinner's experiments with rats. As we can see that in this box, there is a lever inside it. There is a dispenser, a dispenser tube. There is a shock generator and electricity grid, and there is a food cup. So these are the different parts of the scanner box which have been shown in this picture in detail. There is also a speaker and signal lights near the liver. So today we have discussed operant or instrumental conditioning in detail. And we have discussed the Skinner experiment with rats in detail. So, I hope that now you people have understood the concept of operant and instrumental conditioning, and now you may have a better understanding of this concept.